हेलो फ्रेंड्स, बहुत हैवी डिमांड के बाद मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूं आपकी पसंदीदा बुक लूसेंट जी के। काफ़ी सारे बच्चों के मेल आए, काफ़ी सारे कमेंट्स आए, ऑडियो को काफ़ी सारे बच्चों ने लाइक करा और काफ़ी बच्चों ने उसे वॉच भी करा और वॉच की संख्या बहुत अधिक पहुंची। उसके बाद में मैंने डिसाइड करा कि बच्चों की डिमांड जो वीडियो को लेकर थी कि सर इसका वीडियो बनाइए, तो मैं इस बुक का वीडियो आपके सामने अब लेकर आने वाला हूं। लेकिन कंडीशंस एक छोटी सी ये है कि मैं उस बुक को पूरा ऑडियो की तरह रीड नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा केवल और केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं सिंपल वीडियो को ओपन करके पढ़ना शुरू कर दूँ तो काफ़ी सारे कमेंट्स कुछ इस तरह के भी आए थे कि जी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई न्यूज़ सुन रहा हूँ, या आप कंटिन्यू रट क्यों रहे हो इस बुक को, कुछ नया बताओ, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताओ। तो देखिए, बुक को पढ़ने का तरीका वास्तव में यही है कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही केवल पढ़ें, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो पूरी बुक को एक एक लाइन उसकी काफ़ी ईमानदारी के साथ पढ़ता है। लेकिन इतनी मोटी बुक को काफ़ी कम समय में कैसे समाप्त करें और कितना पढ़ा जाए, और फाइनली बात कहने की देखो यही है कि कितना खाया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बात ये है कि आपने कितना पचाया, कितना डाइजेस्ट करा आपने, इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो बुक के पन्ने पन्ने मत पलटो, सब लाइन मत पढ़ो, केवल कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं केवल आपको उतना ही बताऊंगा। और एक बात और, छोटी सी बात और, कि ये जो बुक है, ये बुक है आपकी लूसेंट सामान्य ज्ञान की, ये फिलहाल न्यू एडिशन नहीं है। न्यू एडिशन क्यों नहीं है वो भी आप सुन लीजिए। और मुझको मालूम है कि काफी सारे बच्चे बोलेंगे यार न्यू एडिशन नहीं है तो मजा नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए, जो न्यू एडिशन है अगर आप देखते हो तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैक्सिमम कवरेज बहुत कम है न्यू बुक में। ये बुक मैं देख चुका हूँ, न्यू बुक मैंने देखी, उसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बहुत कम है। अगर आपके पास पुरानी बुक है, अगर आप उसमें से स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास एग्जाम को लेकर के मैक्सिमम कवरेज है, मैक्सिमम आपके पास फैक्ट है। मैं नई बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि अगर मार्केट में किसी चीज की सेल कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका फ्रंट पेज थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करके, कुछ अंदर पेजों में चेंजेस करके, उसमें 2017 की करंट अफेयर्स डाल करके नई बुक पब्लिश कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि नई बुक में ज़्यादा कवरेज है, थोड़ा उसका साइज बढ़ा दिया, उसमें से कुछ प्रीवियस जो चीज़ें थी वो कार्ड शार्ट कर दी और आपके सामने प्रेजेंट कर दी बुक, और आपको लगा कि यार नई बुक में तो जरूर काफ़ी कुछ है, कुछ नया है इसमें। उसमें नया केवल ये है कि आपके पास करंट अफेयर मिल जाएगी आपको, उसमें 2017 की जो भी जीके होगी करंट से संबंधित वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लेकिन ये तो आप किसी मैगजीन से उठा के कर सकते हो कवर, तो इसलिए आपको नई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो आप स्टडी कर लीजिए, जैसा आपको बेस्ट लग रहा है वैसे करिए। टारगेट ये है कि 2017 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा मानना यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए अगर आप ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं तो। देखिए, चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का ये अपना पार्ट वन, ये है आपका लूसेंट बुक, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम चलते हैं फिलहाल इसके, पहला जो इसका टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में डिवाइड करा गया है, बांटा गया है। पहला तो जो होता है आपका प्राचीन भारत होता है, सेकेंड होता है मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आपका आधुनिक भारत। कभी भी अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री हमेशा आपको तीन भागों में डिवाइड मिलती है। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन सी? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज के इस वीडियो में मैं केवल बात करूंगा आपसे प्राचीन भारत की। इसकी काफी सारी सीरीज, काफी सारे इसके पार्ट बनेंगे, पार्ट कितने बनेंगे इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमने ये पार्ट शुरू करा है, तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन आप पेशेंस बनाए रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को इस एंड तक देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो भी है, हमारा प्राचीन इतिहास कभी रहा था? प्राचीन में कभी शिलालेख, अभिलेख, इस टाइप की रचनाएं, ऋग्वेद, वेद, पुराण, ये सब कभी थे वास्तव में? तो इन सब की जो जानकारी मिली है, जानकारी के आधार पर क्या करा गया, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उनको चार भागों में डिवाइड करा गया। इसके चार स्रोत हैं। ये कहाँ से हमको प्राचीन इतिहास मिला, ये कहाँ कहाँ से हमको मिला? ये मिला हमको धर्म ग्रंथ से। हमें धर्म ग्रंथ जो थे काफी जगह पर मिले, हमने उसका स्टडी करा और हमने पाया कि हाँ, प्राचीन इतिहास जो था भारत का काफी रोचक था। और एक है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ,
विदेशियों का विवरण, विदेशी यहाँ पे आए तो जब वो अपने देश में गए उन्होंने इस देश के बारे में काफी कुछ लिखा, काफी सारे पेजेस, काफी सारे पन्नों में उन्होंने भारत का बखान करा। जब विदेशियों के द्वारा ये पता चला कि हाँ भारत में कुछ ऐसा भी था, तो एक तो विदेशियों का अध्ययन हुआ, उनके द्वारा प्राप्त की गई जो भी पुस्तक थी, लिखी गई पुस्तक को जब पढ़ा तो वास्तव में देखा गया कि हाँ भारत का भी कुछ वास्तव में इतिहास था। अगला जो फोर्थ था वो था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व से हमको जो भी साक्ष्य मिले हैं उससे संबंधित हमारी बातों में हमने ये बोला कि वास्तव में हमारा कोई कोई ना कोई प्राचीन इतिहास रहा है, काफी पुराना इतिहास रहा है। अब देखिए बात करते हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वो है वेद। सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, वो है वेद। आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, आपको याद रखना है वेद। अब बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी है, ये आपका MTS एग्जाम में, CHS एग्जाम में और CGL एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है चार। कौन कौन से वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में देखिए बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, काफी सारे फैक्ट आपको मिलेंगे लुसेंट बुक के अंतर्गत, तो आपको सभी के सभी फैक्ट आपको रीड नहीं करने हैं अगर टाइम कम है तो। अगर टाइम बहुत अधिक है एज ए नॉलेज के रूप में, अपना नॉलेज बैंक फुल करने के मूड में अगर आप पढ़ना चाहते हैं सारे फैक्ट तो आप पढ़ सकते हैं, नो इशू। देखिए यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, एग्जाम में ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं इसमें, 1028 टोटल सूक्त हैं इसमें। और बात करें रचनाएं, रचनाएं कितनी हैं, 10,442। आप याद रखिएगा रचनाएं कितनी हैं, रचनाएं हैं इसमें 10,442, जैसा कि हमने हाईलाइट कर रखा है। और इस वेद के रचनाओं के पढ़ने के लिए ऋषि को हम क्या कहते थे, ऋषि को हम कहते थे होतु या होर्त कहते थे। अगला जो फैक्ट है देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है, तो आपको याद रखना है तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र क्या होता है, देखिए हम जो गायत्री मंत्र जो समर्पित है वो है सूर्य देवता को। ठीक है, वो कौन से देवता को समर्पित है, ये गायत्री मंत्र समर्पित है आपके सूर्य देवता को। और गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुव स्व तस्तवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमे द्योजने प्रचोदयात। ये सब आपने कई बार सुना होगा आपके पंडित जी के मुंह से, आपने भी क्या पता आप पूजा पाठ करते होंगे, आप इस मंत्र को जरूर पढ़ते होंगे। तो ये मंत्र कौन से मंडल से है, ये है तीसरे मंडल से। आप याद रखिएगा कौन से मंडल से है, तीसरे मंडल से। बस आपको ऋग्वेद में इतना ही फैक्ट पढ़ना है, उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट और है ऋग्वेद में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। सबसे ज्यादा रचना किस भगवान के लिए करी गई है, किस देव के लिए करी गई है, वो करी गई है इंद्रदेव के लिए। ऋग्वेद में कौन से भगवान को सबसे ज्यादा पूजा गया है, वो है इंद्रदेव। और अग्नि का बखान करा गया है, अग्नि का व्याख्यान करा गया है, अग्नि को के ऊपर जो रचनाएं बनी है वो बनी है 200। आगे बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद के। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और बातों को अच्छे से सुन रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत के बारे में रिवाइज मैं करवाऊंगा या फिर इस वीडियो को आप दोबारा वॉच करना, आपको सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद आखिरकार है क्या, यजुर्वेद वास्तव में होता है सेश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के लिए, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसका पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, जो इसको पढ़ता है उसको बोलते हैं अध्वर्यो। और ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक ऐसा वेद जिसमें गद और पद दोनों समाहित होते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों इसमें लिखे गए हैं, इसमें आपको गद भी मिलता है, इसमें आपको पद भी मिलता है, गद और पद दोनों का समावेशन कौन से वेद में है, एग्जाम में ये पूछता है आपसे, तो आपको याद रखना है ये है यजुर्वेद में। अब बढ़ते हैं हम लोग सामवेद की ओर। देखिए सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तो आप याद रखिएगा सामवेद। कौन सा वेद, सामवेद। अगला जो है वो है अर्थवेद। ठीक है, अर्थर्वेद भी बोलते हैं इसको या फिर अर्थर्वेद। देखिए इसका जो है कि अर्थरा ऋषि द्वारा रचित, ये अर्थरा वेद जो बनाया गया था, जो नाम रखा गया था, ये एक ऋषि थे, इनका नाम था ये, और इनके द्वारा रचित इस वेद में क्या क्या बातें रखी गई हैं, रोग निवारण,
मतलब जो डिजीज बीमारी होती है उसका निवारण किस तरह से होता है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको ये तकलीफ है तो ये मंत्र का जाप करो, या फिर इस तरह से आप लोग अपनी लाइफ को जियो तो आपका क्या होगा, वो रोग दूर हो जाएगा। मंत्र का जाप करते हैं कुछ लोग, जैसे कि अपने कंठ को ठीक करने के लिए बोलते हैं कि ओम का जाप करो, लंबी लंबी सांस लो, ओम बोलो और सांस को छोड़ो ओम के साथ में। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो कंठ होता है वो काफी क्या होता है, पॉलिश हो जाता है, काफी निखर जाता है। तो मंत्रों के माध्यम से रोग का निवारण करा जाता था कौन से वेद में, अथर्ववेद में। देखिए तंत्र मंत्र जादू टोना कौन से वेद में समाहित है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा किस वेद का संबंध रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना सांप, ये सांप वशीकरण आशीर्वाद स्तुति, इस तरह की कुछ बातें आपसे बोलेगा कौन से वेद में है, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद में। मैक्सिमम आपसे बोलता है केवल रोग निवारण तंत्र मंत्र और जादू टोना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे बाद का वेद कौन सा है। देखिए सबसे अगर प्राचीन वेद की बात करी जाए तो वो है आपका ऋग्वेद। प्राचीन का मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराने का मतलब क्या होगा, जो सबसे पहले लिखा गया होगा वो सबसे पुराना होगा आज के दौर में, आज के समय में। और सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया, वो लिखा गया आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो आप याद रखिएगा सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है, आपसे ये पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद। और बात करें सबसे बाद का वेद तो ये है आपका अथर्ववेद। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैं आपको इसलिए पूछता हूँ क्लियर हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा, क्योंकि कभी कभी अगर बच्चों को कुछ ना बोला जाए ना ऐसा तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई से बोर नहीं होना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब अगर ओखली में सर दे दिया, अगर ठान ली कि कुछ करना है कुछ बनना है तो फिर डरना नहीं है किसी भी चीज से। पढ़ना है तो पढ़ना है, रोके हंस के भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कीमत तो चुकानी पड़ती है, साफ सीधी बात तो बच्चों ये है, ठीक है। कुछ ना करने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको आने वाले समय में, या फिर अभी चुका लो तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी चुका लो बहुत अच्छा है, जल्दी बन जाओगे, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजोगे सर मेरा यहाँ पे इस पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है, मेरा टारगेट है रियल में कि 2017 में काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए मेरे पास कि हाँ आई एम सेलेक्टेड इन दिस पोस्ट वगैरह वगैरह, कोई भी पोस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं, देखिए मैं आपसे बात करता हूँ कि पुराण के बारे में। देखिए एग्जाम में आपसे पूछता है कि पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, वो है 18। टोटल कितनी संख्या है, वो है 18। अब बात करते हैं कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। देखिए पुराणों में अगर सबसे पुराने की बात करी जाए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे तो प्राचीन है, अगर बात करी जाए वेदों की तो वेद क्या है, वो है ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन में वो दोनों ही देगा, ऋग्वेद भी देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में देगा आपको मत्स्य पुराण। तो आपको याद रखना है कि बात कर रहा है पुराण की तो आपको मत्स्य पुराण लगाना है, अगर बात करे वेद की तो आपको लगाना है ऋग्वेद। राइट बच्चों, चलिए बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं कि देखिए जातक में बुध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, बुध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें लिखित है, किसमें वर्णित है, तो वो है जातक में। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, कौन से साहित्य को आगम कहा जाता है, आपसे एग्जाम में ये पूछता है, जैन बौद्ध या फिर अन्य दो धर्म आपको दे देगा, तो आपको याद रखना है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो फैक्ट है आपका अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का तीन नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। आगे बात करते हैं हम लोग अष्टाध्यायी की। देखिए अष्टाध्यायी क्या है, ये एक्चुअली संस्कृत भाषा का एक व्याकरण या फिर ग्रामर की पहली बुक है। संस्कृत की पहली ग्रामर बुक कौन सी है, यह है आपका अष्टाध्यायी। और इसको किसने लिखा था, ये लिखा था पाणिनी ने। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो उसका नाम है पुष्यमित्र। अब हम चलते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ठीक है।
जैसे कि यूनानी रोमन लेखक थे कुछ, उनके नाम और उनके उनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ बातें जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हेरोडोटस की। किसकी? हेरोडोटस की। तो इसको बोलते हैं इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन देगा एग्जाम में। पहला ऑप्शन दे देगा आपको टेसियस, हेरोडोटस, मेगस्थनीस या फिर कोई अन्य नाम आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि इतिहास का पिता जो है वो है हेरोडोटस। आई थिंक आपको ये पता भी होगा, अगर आपको तैयारी करते हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका है तो आपको इसका जवाब आता होगा। अगर ये बुक आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस बुक को परचेज कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके नियर में कोई भी अगर मार्केट होगी वहां पे भी ये बुक बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। आप दिल्ली में रहते हो या फिर ना रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर वो कॉम्पिटिशन की बुक रखता है, हल्की सी जरा सी भी मैगजीन रखता है अपने पास, तो उसके पास ये बुक बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं होगी तो वो मंगवा देगा। तो आपको जहां से बेस्ट लगता है वहां से आप परचेज करिए, नो प्रॉब्लम। बस पढ़िए, परचेज तभी करना जब आप पढ़ने का अपने अंदर एक विल पावर रखते हो। अब देखिए बात करते हैं, इसने अपने नाम पर एक पुस्तक लिखी, बात होती है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी हेरोडोटस ने। अगला जो हमारा यूनानी रोमन लेखक है वो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ये कौन थे? ये थे हमारे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, ठीक है। मेगस्थनीज किसके राजदूत थे? ये थे सेल्यूकस निकेटर के। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। और उसके बाद बात करता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया था आपसे एग्जाम में ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ये आया था। और ये किसका राजदूत था आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है ये था सेल्यूकस निकेटर का। बात कर रहे हैं हम लोग मेगस्थनीज की। बस आपको इतने फैक्ट ही पढ़ने हैं आपको इस बुक में, बाकी फालतू कुछ नहीं है, ठीक है, काम आ सकता है। अगर आप देखिए अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आप केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल इतने फैक्ट आपके लिए बहुत हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ। ये केवल समरी है इस बुक के, ठीक है, ये एक समरी है। पूरी बुक को मैंने अच्छे से स्टडी करने के बाद में आपके लिए नोट्स बनाए हैं। बात करते हैं आगे कि इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। और मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? एग्जाम में आपसे ये पूछता है और कई बार पूछा गया। तो इंडिका जो बुक है इसके राइटर है मेगस्थनीज। अगला जो फैक्ट है वह है टॉलमी। टॉलमी से संबंधित बात मैं अगर करूं तो इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक भी लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी टॉलमी ने। अगला जो हमारा लेखक है वो है प्लिनी। प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। देखिए एग्जाम में आपसे जरूर पूछता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, या फिर आपसे पूछेगा कि नेचुरल हिस्ट्री के राइटर कौन है, लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना है इसके रचयिता थे कौन? प्लिनी। अब बात करते हैं हम लोग चीनी लेखक कौन कौन थे। देखिए चीनी लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फायान और हेनसांग, ठीक है। हुएनसांग भी बोलते हैं इसको, हेनसांग भी बोलते हैं। बात करता हूं मैं पहले नंबर वन पे जो चीनी लेखक हैं वो है फायान। फायान जो थे ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे, दरबार में आए थे उनके। और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन करा। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। सुखी और समृद्ध बताया किसने? फायान ने बताया। कौन सी स्टेट को? मध्य प्रदेश को, ठीक है। और देखिए ये चीनी यात्री था और किसके दरबार में आया था, तो अब याद रखिएगा ये यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और जो था मेगस्थनीज वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। फायान भी देगा आपको ऑप्शंस में और मेगस्थनीज भी देगा, तो आपको वो कंफ्यूज कर सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है। तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? ये आया था आपका फायान। अब बढ़ते हैं हम लोग हेनसांग के बारे में। यह हेन, हेन से बनाए हर्ष, हा से हल, हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन, ठीक है, अब आपको याद रहेगा। देखिए यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। चीन से भारत के लिए कब चला था? ये चला था 629 ईस्वी में। और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सबसे पहले वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। एक कपिशा एक राज्य था, वहां पर ये पहुंचा। कौन?
बात कर रहा हिंसांग की, हिंसांग पहुंचा भारत में 15 वर्षों तक ये ठहर कर 645 में चीन लौट गया। देखिए 15 वर्षों तक इसने भारत में स्टे करा, भारत को समझा, भारत के बारे में इसने काफी सारी नॉलेज ली, उसके बाद क्या हो गया, ये वापस चीन चला गया। कितने वर्षों बाद? 15 वर्षों बाद। और वह बिहार में नालंदा जिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने एवं भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने ले जाने के लिए आया था। ये यहाँ पे किस लिए आया था? ये आया था बौद्ध ग्रंथों की स्टडी करने के लिए। और इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन या फिर हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। अब बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट जो नोट है उसको पढ़ लेते हैं कि हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। कौन थे ये? ये थे आचार्य शीलभद्र थे। किसके टाइम की बात कर रहा हूं मैं? हिंसांग के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग अरबी लेखक, वो है अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो अलबरूनी का संबंध जो है यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति क्या है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, मतलब भारत की खोज। ये दोनों ही पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये दोनों ही पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किताब उल हिंद के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको याद रखना है अलबरूनी, और सेकंड या फिर कह सकता है इस बुक का नाम है तहकीक ए हिंद, मतलब भारत की खोज। किसने लिखी? ये लिखी अलबरूनी ने। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र। देखिए मैं बता रहा हूँ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जो हमें पुरातत्व संबंधी जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे हमको क्या जानकारी मिली है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन सबके एग्जाम में बन जाता है, तो इसलिए मैं बात करूंगा पक्का इसमें से। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारतवर्ष का जो जिक्र है हाथी गुफा अभिलेख में है। बात करता है, देखिए एग्जाम में आपसे पूछता है कि सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख से प्राप्त हुआ। आपको कुछ अभिलेख के नाम देगा, जैसे आपको देगा प्रयाग स्तंभ लेख अभिलेख, जैसे आपको देगा कि नासिक अभिलेख से प्राप्त हुआ हमको भारतवर्ष का संबंध, या फिर हाथी गुफा अभिलेख से हुआ, तो इस तरह से आपको कुछ अभिलेख के नाम देगा, आपको राइट अभिलेख यूज करना है। देखिए भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ था पहली बार वो हुआ था हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख। और ये जो बनाया था, ये बनाया था कलिंग राज खारवेल ने। कलिंग के जो राजा थे इनका नाम था खारवेल रा, खारवेल रा, खारवेल बोलते थे। इस बुक में लिखा है खाकेल, तो आपको एग्जाम में वो खाकेल भी दे सकता है, बट राइट जो नाम था इनका वो था खारवेल। देखिए अगर सर्च करते हैं हम लोग विकिपीडिया वगैरह में, काफी जगह आपको खाकेल मिलेगा, काफी जगह आपको मिलेगा खारवेल। कलिंग से आपको कुछ याद आया? शायद आपको याद आया होगा कलिंग से अशोक, और कलिंग कहाँ पर है? कलिंग है उड़ीसा में। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है, कलिंग का वॉर लड़ा किसके साथ? ये हुआ था आपका खारवेल के साथ, जिसमें खारवेल की हार हुई थी और अशोक जीता था। अशोक के सामने अचानक से युद्ध भूमि से एक भिक्षु गुजर रहे थे, और उन भिक्षु का नाम क्या था? एग्जाम में उन भिक्षु का नाम भी पूछ लेता, उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। तो कुछ अलग फैक्ट मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मुझे याद आया तो पक्का बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस बुक में आगे हम उनका नाम भी देखेंगे। देखिए अगला जो फैक्ट है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, तो उस अभिलेख का नाम है एरण अभिलेख। और ये जो लिखा था अभिलेख, ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ था ग्वालियर अभिलेख के नाम से, ये फेमस है। और ये किसने बनवाया था? ये बनाया था प्रतिहार नरेश भोज ने। जैसे होता ना आपका कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो राजा भोज कहां से संबंध रखते हैं? ग्वालियर से। और ग्वालियर कहां पर है ये मुझे बताने की आवश्यकता शायद नहीं है, ठीक है। तो देखिए सती प्रथा के बारे में, कि सती प्रथा का भी एक हमारे पास साक्ष्य मिला कि सती प्रथा भी होती थी, पति की मृत्यु के बाद में उसकी जो उसका जो मतलब अर्थी होती थी उस पर उसकी वाइफ को बैठाया जाता था, जिंदा उसको जलाया जाता था। तो इस तरह का भी कोई हमारे यहाँ पे प्रथा थी, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन से अभिलेख से मिलती है? ये मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से।
देखिए अगला जो फैक्ट है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो सिक्के थे, जो कॉइन्स थे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आहत सिक्के। क्या बोलते हैं? आहत सिक्के। इसी को साहित्य का कासार्पण कहा गया है। देखिए कासार्पण आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर आपने देने का मन बना रखा है तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए आप याद रखिए, प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहते हैं। अगला जो फैक्ट है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। पहले सिक्के जो बनते थे केवल उसमें इमेज इम्प्रेशन होता था, इमेज प्रिंट होती थी, बस कुछ लिखा नहीं जाता था। जैसे आज के कॉइन में हमको लिखा जाता है, उसका वर्ष गुदवाया जाता है और काफी सारे मतलब के नाम वगैरह लिखवाए जाते हैं आज के सिक्कों में, जो हम वर्तमान सिक्के देखते हैं उन सब में, और काफी सारी मतलब इमेज उसमें प्रिंट होती है। लेकिन इसमें लिखने की जो प्रक्रिया स्टार्ट करी थी वो करी थी यवन शासकों ने। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो फैक्ट है काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीणा बजाते हुए। आप सिंपल याद रखिए, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए ऐसी मुद्रा में अपने सिक्कों पर दिखाया गया है। क्यों ऐसा क्यों करा? क्योंकि उसको क्या था, संगीत से काफी प्रेम था। जैसे कि आप लोग होते हैं, आप लोग अगर गिटार बजाते हैं तो आप अपने प्रोफाइल पिक अपनी फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के डीपी पर तो क्या लगाते हैं, आप गिटार बजाते हुए अपनी फोटो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका पैशन है, आपको पैशन मतलब कि ये आपके अंदर झील है इसको दिखाने का लोगों को, हाँ मुझे ये चीज भी आती है। तो समुद्रगुप्त को क्या था, वीणा बजाने का काफी अच्छा शौक था, तो उसने क्या करा, वीणा बजाते हुए अपनी इमेज अपने कॉइन्स में प्रिंट करी। तो आप याद रखिएगा, कॉइन्स में क्या बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया, तो वह वीणा। समुद्रगुप्त का अच्छा जो लगता था उसको यंत्र, वो लगता था वीणा। बात करते हैं अगले फैक्ट की ओर की, अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। अरिकमेडू से क्या होते हैं? रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, ये काल क्या होता है, इसके विवरण क्या मिले, कहां से ये काल स्टार्ट हुआ, मानव का विकास कहां से स्टार्ट हुआ, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले, समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सभी फैक्ट जो आपने देखे इस बुक में, अब तक के जो भी आपने फैक्ट देखे इस बुक में, ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। पहली बात तो ये, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से आपका कितना कवरेज हो रहा है। अगर बात करें केवल भारत के इतिहास की, वो भी उसमें किसमें, प्राचीन भारत से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी बुक में से आपका सबका सब कवर हो जाएगा। तो इसलिए इन सभी फैक्ट को एक बार रिवाइज करिए ध्यान से, और इसको ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को एक बार और वॉच करिए, आपको ये सभी फैक्ट याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के तुरंत उसके साइड में, उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मिलेंगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आप सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आपको डेडिकेटेड हमारे चैनल पे जाना पड़ता है, हमारे चैनल पे एंटर करना पड़ेगा, उसके प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर उसके वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको ये वीडियो वॉच होगा इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, और प्लीज शेयर करिए इसको मैक्सिमम। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, काफी पुअर हैं, ये सिलसिला यहीं तक समाप्त ना रहे, शेयर करिए, खुद भी आगे बढ़िए औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।